नमस्कार, मैं मोहम्मद रईस और आप देख रहे प्रकाश प्रभाव न्यूज। पेश है आज की प्रमुख खबर। एक तरफ पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा, उसके बाद अब बारिश और आंधी की वजह से किसानों के ऊपर एक और दैविक आपदा से धान की फसल लगभग खत्म होने की कगार पर। बात करते हैं अमेठी के किसानों की, जिनको इस कोरोना जैसी महामारी में अपनी धान की फसल बहुत ही आस थी, लेकिन धान की फसल आंधी पानी से तबाह हो गई। संग्रामपुर, धोए, करनाईपुर, बनवीरपुर, भवलपुर, अमरपुर, बड़ा गांव, केशवपुर आदि जगह बारिश से धान की फसल बर्बाद हो गई, जिससे किसानों के माथे पर एक बार फिर चिंता की लकीर खिंच गई। क्या नाम है आपका, कहां के रहने वाले हैं? अम्बा प्रसाद सिंह, बड़गांव। ये बताइए, बारिश कल बारिश हुई है और आंधी तूफान आया है, इसमें क्या आपके यहाँ भी कोई नुकसान हुआ है? अरे बहुत नुकसान हुआ है हमारे गांव में, कम से कम ये मान के चलिए 500 बीघा फसल नष्ट हो गई है बारिश से। सब इतना तेज तूफान था कि सब जो धान निगले थे वो सब पानी की वजह से पूरा चपक गए हैं। नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? सरिया बड़गांव, कालू गाँव। ये बताइए, कल आंधी तूफान और बारिश हुई है, इससे आपकी तरफ कोई खेती का नुकसान हुआ है क्या? काफी नुकसान हुआ, काफ़ी नुकसान भैया, मतलब छह लाख इच्छा पड़ गया है जमीन में एकदम धान। अच्छा, हाँ, धान की फसल नष्ट हो गई एकदम।